साल 2018 का पहला पुष्य नक्षत्र आज दिनांक 3 जनवरी बुधवार को आ रहा है, तो पूरे वर्ष धन का लाभ, नौकरी में सफलता, व्यापार में सफलता, नौकरी में प्रमोशन, तरक्की, विवाह में हो रही देरी को दूर करने में, कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस प्राप्त करने के लिए, बोर्ड के एग्जाम में सक्सेस प्राप्त करने के लिए सन 2018 का पहला पुष्य नक्षत्र आपके लिए आज खास रहेगा। शास्त्र कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में की गई कोई भी पूजा, खरीदी गई कोई भी वस्तु स्थायी तौर पर सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करती है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र की साक्षी में किए गए काम हमेशा सफल होते हैं। इसीलिए साल 2018 में आपको अपनी सभी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज साल के पहले पुष्य नक्षत्र पर कुछ सिंपल रेमेडीज करनी होगी, कुछ सरल उपाय करने होंगे। आइए जानते हैं साल 2018 के प्रथम पुष्य नक्षत्र के दिन किए जाने वाले कुछ सरल उपाय, जिससे आपको लंबे समय तक फायदा हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है। क्योंकि आज बुधवार का दिन है, भगवान गणेश जी का दिन है, रिद्धि सिद्धि के दाता का दिन है, तो आज कितने भी व्यस्त क्यों नहीं हो, गणेश मंदिर में आज आपको दर्शन अवश्य करने हैं। दर्शन के साथ साथ में गणेश जी भगवान को दुर्वा अवश्य चढ़ानी है, और दुर्वा के साथ साथ आज आपको गणेश जी भगवान को दो गुलाब के पुष्प चढ़ाने हैं। दो पुष्प चढ़ाइए, उनमें से एक पुष्प पंडित जी से मांग के अपने घर पे लेके आइए। पैसे रखने के स्थान पर जहां आपकी अलमारी है, तिजोरी है, कैश काउंटर है, जहां पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, लक्ष्मी को विराजमान करते हैं, वहां पर आज बुधवार के दिन पुष्य नक्षत्र पर अपनी माता के हाथ से, या अपनी पत्नी के हाथ से, या अपनी कन्या के हाथ से केसर चंदन से स्वस्तिक का चिन्ह बनवाइएगा। स्वस्तिक के चिन्ह पर पीले कपड़े में गणेश जी को चढ़ाया हुआ जो गुलाब का पुष्प था, जो आप वापस लेके आए थे, उस पुष्प को तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा। पूरे वर्ष पुष्य नक्षत्र की शुभता, धन की शुभता, मां लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके परिवार जनों के ऊपर, आपकी तिजोरी के अंदर बना रहेगा। वहीं आज पुष्य नक्षत्र के दिन घर में संध्या के समय मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, दीपक के अंदर लाल कलावे की बत्ती बनाकर उसका दीपक जलाना है। निश्चित तौर पे इससे घर में मां लक्ष्मी का नियमित रूप से आगमन होने लगेगा। और आज से ही नियम मान लीजिए, मां लक्ष्मी के सामने रुई की जगह, बत्ती बनाने की जगह कलावे की बत्ती बनाकर ही शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए। देखिए सन 2018 में सभी कर्ज से मुक्ति होगी, मां लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद मिलेगा। वहीं आज पुष्य नक्षत्र के दिन देवी मंदिर में जाइएगा, मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, सुगंधित धूप, अगरबत्ती, मिठाई, प्रसाद अर्पण कीजिएगा। इस प्रकार आज मां की भक्ति करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज पुष्य नक्षत्र के दिन दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिएगा, धन लाभ होगा। मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से मां की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। वहीं आज पुष्य नक्षत्र के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते समय एक चांदी का सिक्का रखिएगा, बाद में उस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से, रुपए से, जेवरातों से भरी रहेगी, तो आज
साल के प्रथम पुष्य नक्षत्र बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की आराधना, माँ लक्ष्मी की आराधना सन 2018 के अंदर आपकी सभी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लमों को दूर कर सकती है।